Hi friends, this is Vivek sir from Art of Learnings. So welcome back. आपने दो videos तो देखे ही थे business studies के paper के time पे और आपने उससे पूरा फायदा भी उठाया और मुझे तो बहुत अच्छा feedback मिला कि सबका paper time पे खत्म हो गया और सबकी presentation भी बहुत अच्छी रही तो हमारा purpose solve हो गया. अब आपका paper अच्छा होने की वजह से और maths का paper अच्छा आ गया तो icing on the cake हो गया. अब आपका पढ़ने का तो मन कर नहीं रहा होगा बिल्कुल. ऊपर से होली की सेलिब्रेशन भी आपने करी होगी पूरी और होली खेलने का मजा ही अलग है अगर बोर्ड के बीच में होली आए आपके तो. और नींद तो आपको पूरी आ ही रही होगी, एक्स्ट्रा ही आ रही होगी, पिछले जन्म की नींद भी आप इसी दिनों में पूरी कर रहे होगे अब. लेकिन और मेरे को पता है आपका गोवा का भी प्लान बन चुका होगा, टिनरी बनेगी, क्या शॉपिंग करनी है वो होगा वहाँ पे और कैसे डे स्पेंड करने हैं. लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आप एक चीज ना भूलें, 27 मार्च को एक पेपर भी रह गया आपका जो मैं आपको रिमाइंडर देने के लिए आया हूँ, विच इज इकोनॉमिक्स 2019. और मैं उसमें भी आपको चाहूंगा कि आप इस पेपर में 2019 27 मार्च आप 100/100 स्कोर करें. तो माई डियर फ्रेंड्स, आप वो अपना थोड़ा सा गोवा का ट्रिप का प्लान साइड पे कर दीजिए और मैं आपको इसमें भी 100 दिला सकता हूँ अगर आप इसको फॉलो करें. आज मैं आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड है पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस से, मैं आपको बताऊंगा 20 ईयर्स. और मैं मेंशन करना नहीं भूलूंगा, लास्ट ईयर हमारे पास 18 बच्चे थे 100 स्कोरर्स, जिनमें से 16 इकोनॉमिक्स 100 स्कोरर्स थे, 50 99 स्कोरर्स थे, 50 98 स्कोरर्स थे. और वो सबका मैजिक मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं. तो ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक जो मोस्ट रिपीटेड है, तो हम शुरू करते हैं. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड का फेवरेट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आप मानिए या ना मानिए, 2003-2004 ये टॉपिक लॉन्च होता है. विदाउट डिफॉल्ट सीबीएसई हर साल पेपर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन देता है. तो मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो टॉपिक्स हैं आपके, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल. जो कार्डिनल अप्रोच है दैट इज, उसमें दो मॉडल्स है, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी. और ऑर्डिनल को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. तो अब इसका क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आना है, पूछने का तरीका बदल सकता है. वो मैक्सिमम वो आपको क्या कहेगा कि वन कमोडिटी टू कमोडिटी या हिक्सियन अप्रोच. हिक्सियन एक इकोनॉमिस्ट है हिक्स, जिसने ऑर्डिनल अप्रोच को मेंशन किया था, तो वो उसके नाम पे आपकी अप्रोच का नाम आ सकता है. और मार्शल फॉर कार्डिनल या यूटिलिटी एनालिसिस फॉर कार्डिनल. इसकी कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्योर शॉट आई एम एक्सपेक्टिंग और हर साल आता है, तो आप इसको जरूर कीजिए. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वैसे आपका फेवरेट टॉपिक है मुझे पता है, मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले इट इज बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन. अब आपको क्या सेटिस्फेक्शन है 27 मार्च को बोर्ड खत्म होने की, मुझे क्या सेटिस्फेक्शन है, आप इस वीडियो को देख के अपना 100 स्कोर कर लीजिए. तो हम दोनों सेटिस्फेक्शन को वर्ड को वैल्यू करते हैं, समझते हैं. तो आई थिंक ये टॉपिक आप मिस ना करें. सेकंड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं जाऊं आपको, तो दिस इज कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स और रिलेशन. तो कॉस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे 6 मार्क का 2018 डायरेक्ट रिलेशन था, एसी एबीसी और एमसी का 6 मार्कर में 3 मार्क डायग्राम के थे, जो कि फ्री के देना चाहता है बोर्ड आपको. वो बोर्ड भी समझता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे साल, आपको इंस्टाग्राम फेसबुक आपको स्नैपचैट ट्विटर ये सब मैनेज करते हुए, साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो दे आर वेरी कंसिडरेंट अबाउट दिस फैक्टर. तो इसलिए वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पक्का देगा, कॉस्ट पक्का देगा. 2017 में देखूं तो इसका न्यूमेरिकल, आप एक न्यूमेरिकल इसका पक्का या तो आता है या रिलेशन आना ही आना है. थर्ड टॉपिक अगर मैं जाऊं आपके लिए, तो दिस इज माय फेवरेट, योर फेवरेट एंड सीबीएसई फेवरेट, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब मैंने ऐसा क्यों कहा मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये विदाउट डिफॉल्ट हर साल पेपर में आता है, और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि या तो वो स्केड्यूल फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर वो आपके डेफिनेशन पूछेगा या रिलेशन पूछेगा. 6 मार्क में टीपी और एमपी का इसके दो नाम करना ना भूलें, रिटर्न टू इनपुट्स या रिटर्न टू फैक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड कई बार नाम ना देके किसी और नाम से या शॉर्ट रन करके पूछ सकता है. फोर्थ टॉपिक अगर हम चलते हैं आगे चलें, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं. इसमें दो अप्रोच थी, आप देखिए सीबीएसई चाहता है आपको मेरी तरह कि आप 100 स्कोर कीजिए, तो सीबीएसई ने इसमें दो अप्रोच थी, एक थी टीआरडीसी और एक दूसरी थी एमआरएमसी. टीआरडीसी अप्रोच ही हटा दी गई ताकि आपका स्कोर पक्का 100 पे आ जाए, तो सिर्फ एक अप्रोच बची है विच इज एमआरएमसी अप्रोच. तो आप इसको पूरा कर लीजिए, किसी भी फॉर्मेट में मत छोड़िए. दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मैक्सिमम राइस सीलिंग.
तो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है. तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये दोनों प्रोमिनेंटली आज क्वेश्चन है. अगर आप पिछले कुछ साल देखेंगे तो ये आता है पेपर में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसके साथ साथ इसका एक सिमिलर डायग्राम बनता है एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का, जिसमें प्राइस बिलो और प्राइस अबव द एग्रीमेंट प्राइस. डायग्राम सिमिलर है लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप वो भी ना मिस करें. अब मैं यहां लिख भी देता हूं एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई. इसको पूछेंगे दो फॉर्मेट्स हैं. एक फॉर्मेट तो ये है कि डिमांड बढ़ गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. अब डिमांड बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा? तो आप डिमांड और सप्लाई बनाइए, इक्विलिब्रियम बना दीजिए, उसके बाद डिमांड को बढ़ा दीजिए. तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई, तो वो भी एक्सेस डिमांड है. और अगर मैं प्राइस को बिलो रखूं इक्विलिब्रियम से तो भी एक्सेस डिमांड है. डायग्राम डिफरेंस है, एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है. तो आप ये करना ना भूलें, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का रहता है. सिक्स नंबर टॉपिक अगर हम देखते हैं तो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई, इसी से कनेक्टेड है जो हम डिमांड और सप्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अगर हम देखें तो फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड कैसे होता है अगर हम बात करें तो इसका फैक्टर जो है अलग से भी आते हैं और सप्लाई के भी फैक्टर्स अलग से भी आते हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. सपोज वो आपको बोल दे कि इनकम बढ़ गई. अब आपको पहले तो देखना पड़ेगा नॉर्मल गुड के केस में इनकम कौन से का फैक्टर है, डिमांड का कि सप्लाई का. तो आपको याद है डिमांड का फैक्टर है. अब डिमांड का फैक्टर है उस पर बोलेगा इक्विलिब्रियम पे फर्क बनाओ. तो इक्विलिब्रियम बना के फिर आपको डिमांड का बढ़ा के देखना पड़ेगा. प्राइस नया, क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्सेस डिमांड का केस बन गया. तो आप ये ना कीजिए, मिस कीजिए. और साथ में इसी के साथ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस, ऐसी सप्लाई में भी चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स मार्क में ऑलरेडी पूछ चुका है वो बहुत बार. सेवन टॉपिक अगर हम देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं चलता हूं इंडिफरेंस कर्व पे, पीछे हमने इंडिफरेंस कर्व लिखा तो उसमें इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको फीचर्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. अजम्पशंस ना करना भूलें इसकी. अजम्पशंस मैं बोलूंगा हर टॉपिक की कर लीजिए आप. नेक्स्ट है इसमें बजट लाइन इक्वेशन, बजट सेट का डिफरेंस, ये सब आप करना ना भूलें. तो बजट लाइन और बजट सेट का डिफरेंस और इसकी इक्वेशन और मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अब एट टॉपिक अगर हम लें तो दिस इज पीबीसी कर्व. पीबीसी में मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटा सा चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है लेकिन आप उसमें मिस ना कीजिए सेंट्रल प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम के अलावा पीबीसी की अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज और इसके शिफ्ट के रीजन, जैसे स्वच्छ भारत अभियान पूछा उसका रीजन आप बताओ, उसका इंपैक्ट ऑन पीबीसी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. तो अब नेक्स्ट पे आते हैं नाइन्थ नंबर टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये देखिए कि पीबीसी के बाद इम्प्लीकेशंस, समथिंग नॉट टू बी मिस्ड. इम्प्लीकेशंस इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. अगर हम देखें इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल मार्केट्स की परफेक्ट मोनोपोली या इसके फीचर्स, जैसे मोस्ट रिपीटेड आपसे शेयर करूंगा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. तो आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि कोई भी इम्प्लीकेशन आ सकती है, बट दिस इज द मोस्ट रिपीटेड एंट्री एंड एग्जिट. तो आप लेकिन करके सारी जाए. अब इम्प्लीकेशन के बाद इसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ ऑलिगोपोली या तीनों मार्केट या चारों मार्केट्स के डिमांड कब का डिफरेंस, उनकी शेप कैसी है, या एक इंडिविजुअल फीचर उठा लेगा बताओ प्राइस रिजिडिटी क्यों होती है ऑलिगोपोली में, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. अब टेंथ मैं आपको बोलना चाहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड है, इलास्टिसिटी. तो इट कैन बी आस्क्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट, इलास्टिसिटी का डायग्राम, किसी एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी डेफिनेशन, रेंज हो सकती है 1 to 6 मार्कर. अब न्यूमेरिकल आता है तो 3 to 4 मार्कर, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आती है तो 1 मार्कर. सिंगल लाइन डायग्राम आ सकता है, वो बोल सकता है एक सप्लाई का ओरिजिन से पास कर रहा है उसकी इलास्टिसिटी बता दीजिए, आंसर 1 है, इस तरह का क्वेश्चन. तो पर इलास्टिसिटी से एक और चीज उन्होंने पूछी है कुछ सालों में कि इलास्टिसिटी में डिमांड का आंसर नेगेटिव क्यों है, सप्लाई का पॉजिटिव क्यों है. आपको ध्यान रखना है डिमांड का नेगेटिव इसलिए क्योंकि इनवर्स रिलेशन, सप्लाई का पॉजिटिव इसलिए क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन. तो फैक्टर्स भी ना भूले, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड की इलास्टिसिटी के. तो ये कुछ 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट, मैं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ. आप ये टॉपिक्स करने के बाद यू विल बी वेरी लेस बर्डन, आपका कंटेनमेंट काफी हो जाएगा, काफी कोर्स खत्म हो गया. हम इसमें एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं विच इज मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, विच इज अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे. आप पहले इनको कर लीजिए, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स हैं. इनको प्रायोरिटी करने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा बाकी सब छोड़ के जाएं, बाकी सब भी कीजिए, बट पहले आप इसको खत्म कर लेंगे तो यू विल बी वेरी लेस बर्डन. तो हम नेक्स्ट वीडियो में काफी और चीजें इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे, आप वेट कीजिए उस वीडियो का. सो बाय माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.